राज जी बताइए कि राहुल गांधी जी से आपकी क्या अपेक्षा है? राहुल गांधी जी से मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता। अभी तक सर कुछ हुआ ही नहीं है, ना होता है, कोई सुनवाई नहीं होती है, बच्चे परेशान रहते हैं। 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है, बच्चे टेंट के नीचे बैठते हैं। सांसद हैं और अच्छे भी हैं, पहले से उनका बैकग्राउंड भी अच्छा है, तो इसलिए हम यही बोलेंगे कि जितनी जनता उनसे अपेक्षा करती है कहीं उससे ज़्यादा देते हैं। देश आज़ाद हुआ है उसके बाद भी मध्य प्रदेश जब से गठन हुआ है जब से सांसद और विधायक है, सोच पे निर्भर करता है जितना विकास करना चाहें। तो क्या है कि पूर्व जो अभी जो है सांसद रमाकांत भार्गव जी, मंडीदीप के किसी व्यक्ति ने आज तक उनकी शक्ल देखी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय तक स्तर तक अपने दर के मंडीदीप के रायसेन जिले के खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन आज तक माननीय विधायक जी 15 साल से हैं, आज तक चिल्ला चिल्ला के छात्र छात्राएं परेशान हो जाते हैं, एक शेड नहीं है, एक स्टेडियम नहीं है। एजुकेटेड लोग जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई उनके लिए रोजगार नहीं है, दर दर यहाँ वहाँ ठोकरें खा रहे हैं। अब बस देखना ये है कि शिवराज जी विदिशा सीट से सांसद बन रहे, वो शायद मंडीदीप आए और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं तो वो शायद मंडीदीप के बारे में सोचें। रोजगार से संबंधित राहुल गांधी जी जो बातें कर रहे हैं उससे आप कितने संतुष्ट हैं? लेकिन हम लोगों को सुविधाएं नहीं मिली सर। क्या सुविधा चाहते हैं आप? क्या सुविधा नहीं है बच्चों को यहाँ पे? इतना बड़ा जिला होने के बाद सबसे ज्यादा स्टेडियम की मांग यहाँ से उठती है, एक स्टेडियम नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट से यही बोलूंगा, थोड़ी सी महंगाई पे थोड़ा सा अंकुश लगाए, बाकी सारी चीजें तो ठीक है। देखिए सर, सांसद तो और विधायक कोई भी आए, मैं तो माननीय मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हमारे मंडी में खुद एक सर नेशनल प्लेयर हूँ। अच्छा अच्छा, मेरे फ्रेंडशिप बैठे ये सब स्टेट नेशनल प्लेयर हैं। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। मेरा नाम अमित आयारण है और हम आज यहाँ लोकसभा चुनाव के विषय में पब्लिक की राय जानने के लिए आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव जल्दी होने वाले हैं और माननीय शिवराज सिंह जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, वो इसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम पब्लिक से राय जानेंगे, जनता की राय जानेंगे शिवराज सिंह जी के बारे में और वे किस तरीके से अपने भावी मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री के बारे में सोचते हैं और क्या उनका ओपिनियन है, आइए हम जनता से जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? अमित सहनी। अमित सहनी, अमित सहनी जी। आप यहीं मंडीदीप रहते हैं जी? सर जैसे लोकसभा चुनाव होने वाले हैं आपको पता है, और आपके इधर से शिवराज सिंह जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी उम्मीदवार हैं, क्या अपेक्षाएं आपको शिवराज सिंह जी से लोकसभा में आने के बाद, वो आपके मंडीदीप का क्या भला करें? लोकसभा में इससे पहले तो वो मुख्यमंत्री थे, काफ़ी योजनाएं पहले भी लागू करी थी और आगे भी हैं, अब जो भी लाभ मिलेगा तो सभी को मिलेगा। नहीं, मुख्यमंत्री के रहते हुए तो उन्हें बहुत कुछ करा था, लेकिन एक वर्तमान सांसद, आप आने वाले सांसद के लिए आपकी क्या अपेक्षा है? मंडीदीप में आप क्या चाहते हैं कि सांसद जो काम कर सकता है उसमें लिए शिवराज सिंह जी से क्या अपेक्षा है आपकी? देखिए इस बारे में तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि सांसद ना तो आज से थे ना पहले भी थे, देश आज़ाद हुआ है उसके बाद भी मध्य प्रदेश जब से गठन हुआ है जब से सांसद और विधायक हैं, ठीक है, तो काम तो भरपूर होना चाहिए, उनको सोचना भी चाहिए और पहले भी सोचा है आगे सोचें, उनकी सोच पे निर्भर करता है जितना विकास करना चाहें। एक कुछ खास अपेक्षाएं जैसे आप चाहते हो कि मंडीदीप में ये चीज़ नहीं है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो एक सांसद से हमारी उम्मीदें क्या हैं? सर सबसे पहले तो हमारा खेल मैदान बनाया जाए, खेल मैदान बहुत सालों से लंबे थे, काम होता नहीं है, खेल मैदान बनता नहीं है, बहुत स्टेट नेशनल अंतर्राष्ट्रीय तक स्तर तक अपने दर के मंडीदीप के रायसेन जिले के खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन आज तक माननीय विधायक जी 15 साल से हैं, आज तक चिल्ला चिल्ला के छात्र छात्राएं परेशान हो जाते हैं, एक शेड नहीं है, एक स्टेडियम नहीं है, और मतलब अब क्या बोलें आप सर? अभी तो वर्तमान में सरकार भी मंडीदीप में और आपके नगर पालिका भी बीजेपी की है, हमारे राज्य में सरकार भी बीजेपी की है, तो नगर पालिका से आपकी जो अपेक्षाएं थी, क्या आप चाहते हैं कि सांसद जी उनको वर्तमान जो आपके बनने वाले सांसद हैं जो भी आएंगे वो आपकी अपेक्षाओं पे कितने खरे उतरेंगे? देखिए सर, सांसद तो और विधायक कोई भी आए, मैं तो माननीय मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हमारे मंडी में खुद एक सर नेशनल प्लेयर हूँ। अच्छा अच्छा, मेरे फ्रेंडशिप बैठे ये सब स्टेट नेशनल प्लेयर हैं, लेकिन हम लोगों को सुविधाएँ नहीं मिली सर। क्या सुविधा चाहते हैं आप? क्या सुविधा नहीं है बच्चों को यहाँ पे? इतना बड़ा जिला होने के बाद सबसे ज़्यादा स्टेडियम की मांग यहाँ से उठती है, एक स्टेडियम नहीं है। नयापुरा में ज़मीन मिली थी, आज तक उसका पता नहीं है। मार्केट में ग्राउंड है,
उसको छोड़ के आप नयापुरा में दे रहे हैं, बच्चे वैसे ही सर पहुंच नहीं पाएगा वहाँ पे। अब तो आपका ये कहना है कि मतलब जो भी स्टेडियम या खेल मैदान की सुविधा हो वो शहर के बीच में होना चाहिए, बीच में होनी चाहिए साहब। शहर के लिए चिन्हित जगह है, वहाँ पे बनाया जाए बढ़िया। अभी भी विधायक साहब विधायकी से पहले बोल रहे थे, विधानसभा से पहले कि बनेगा, पैसा पास हो गया है, अभी तक सर कुछ हुआ ही नहीं है, ना होता है, कोई सुनवाई नहीं होती है, बच्चे परेशान रहते हैं। 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है, बच्चे टेंट के नीचे बैठते हैं कार्यक्रम में लिए। अब सर बताइए कैसे। तो आपकी पहली प्राथमिकता अपने सांसद से ये है कि वो हमारे लिए खेल मैदान की सबसे पहले व्यवस्था की। उसके अलावा और क्या क्या आवश्यकता है मंडीदीप की, क्या आवश्यकता? मंडीदीप में थोड़ी पानी की समस्या रहती है, इसको थोड़ा निराकरण करें। हर दूसरे दो दिन छोड़ के जो नल आता है इसी तरीके से आए, अभी तो ठीक है साहब, लेकिन एक दो महीने मई जून में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, आप देखिएगा खुद ही। टैंकरों से लोग नगर पालिका पानी पहुंचाती है, लेकिन अगर इसी चीज़ को क्रम अनुसार अगर पहले काम करेंगे आप, तो आपको टैंकर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, पानी की पूरी सप्लाई होगी। नर्मदा जी निकली है, नर्मदा जी की लाइन निकली है, नर्मदा जी से पानी का पूरा काम हो सकता है, लेकिन प्रशासन ध्यान देता नहीं है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने मंडीदीप में औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से सुविधा होना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ भाई साहब से कि आपके हिसाब से औद्योगिक क्षेत्र की पहली प्राथमिकता क्या है? एक तो क्या है कि पूर्व जो अभी जो हैं सांसद रमाकांत भार्गव जी, मंडीदीप के किसी व्यक्ति ने आज तक उनकी शक्ल देखी नहीं, और उनसे पूर्व जो थी विदिशा सीट से सांसद अपनी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, उनका नाम जरूर टीवी में सुनने को मिलता था और काम भी अच्छा किया उनने। कभी रमाकांत जी मंडीदीप के किसी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं क्या? वो उनकी पार्टी के लिए जरूर कभी आते हैं, एक आध खबर मैंने सुनी है, लेकिन कभी उनकी आज तक शक्ल नहीं देखी किसी ने मंडीदीप के व्यक्ति ने। वो सिर्फ नाम के लिए सांसद बने हैं, अब बस देखना ये है कि शिवराज जी विदिशा सीट से सांसद बन रहे हैं तो शायद मंडीदीप आए, और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं तो वो शायद मंडीदीप के बारे में सोचें। पूर्व मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने तो मध्य प्रदेश का हर जगह से विकास किया है, तो आपकी अपेक्षाएं विदिशा लोकसभा सीट से, वो पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं, कभी पूर्व में उन्होंने यहाँ कोई काम किया हो? मुख्यमंत्री जी ने नहीं, पूर्व में जब सांसद रह चुके हैं वो विदिशा सीट से, जब उन्हें यहाँ कोई कार्य ऐसा करवाया हो जिसकी मंडीदीप को बहुत आवश्यकता थी? काम तो उन्होंने कई योजनाएं चलाई हैं, लोगों को फायदा भी हुआ है, लेकिन अभी जो स्थिति है सांसद के तौर पे, सांसद की सीट के हिसाब से विदिशा सीट बहुत बड़ी सीट मायनों में चुनाव के जानी मानी सीट है। हम और भी लोगों से इस बारे में राय लेंगे, आइए चलते हैं कुछ और लोगों से ओपिनियन लेने के लिए। यहाँ पे कुछ युवा खड़े हैं, आइए हम इन लोगों से इस लोकसभा चुनाव के बारे में जानेंगे कि उन लोगों की क्या राय है। सर आप बताइए आपका नाम? आशुतोष कुमार। आशुतोष जी आप यहीं मंडीदीप से रहने वाले हैं, लोकसभा की वर्तमान मंडीदीप सीट जो विदिशा लोकसभा क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश की एक प्रतिष्ठित सीट के रूप में भी देखी जा रही है क्योंकि भूतपूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, एक सांसद के रूप में आपकी क्या अपेक्षा है उनसे? अपेक्षा तो यही है, जनता उनको ही चाह रही है, और अपेक्षा क्या है वो तो अपेक्षा से ज़्यादा करते हैं। उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए तो बहुत कुछ करा है, आप एक सांसद से क्या अपेक्षा है कि हमारे यहाँ सांसद ने ये सुविधाएं चाहिए हमें? आपको मंडीदीप की ऐसी कौन सी आवश्यकता है जो एक सांसद से आपकी उम्मीद? वो तो सारी चीज़ें हैं, देखो वो सांसद हैं और अच्छे भी हैं, वो पहले से उनका बैकग्राउंड भी अच्छा है, तो इसलिए हम यही बोलेंगे कि जितनी जनता उनसे अपेक्षा करती है कहीं उससे ज़्यादा देते हैं। तो आपको उनसे उम्मीदें हैं कि शिवराज सिंह यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे? युवा होने के नाते आपकी आने वाली भावी सरकार से, जो मध्य प्रदेश की नहीं देश की सरकार बनेगी, उससे क्या उम्मीदें आपको? उम्मीदें है एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा ये, हाँ, और बाकी यही है, अभी तो देश की समस्या सबसे बड़ी। जैसे राम मंदिर संबंधी जो बात हुई थी कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था, उससे वर्तमान सरकार को कितना फ़ायदा होगा? अब वो चीज़ तो धर्म की चीज़ है, बाकी उससे फ़ायदा नुकसान का कोई वो नहीं है, बाकी मेन है कि गरीबी और यही सब सारी चीज़ें हैं कि उसमें अगर ज़्यादा रोज़गार के लिए ज़्यादा काम करे तो ज़्यादा अच्छा है सरकार के लिए, तो मैं यही बोलना चाहूँगा हाँ कि जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म करे, युवाओं को अभी सबसे ज़्यादा रोजगार की तलाश है और उसमें काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। कांग्रेस से आपकी क्या अपेक्षा है, यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो आप उससे क्या उम्मीद रख रहे हैं? कांग्रेस से तो क्या, मैं तो बीजेपी से उम्मीद करूँगा। कांग्रेस में राहुल गांधी जी नारा दे रहे हैं कि हम वर्तमान में सरकार बनाएंगे तो हम देश की काया पलट कर देंगे, जनगणना जातिगत जनगणना कराएंगे। अभी तक तो खैर उनकी सरकार बहुत रही है, 40-50 साल रही थी, तो जो भी हो, लेकिन अभी तो बीजेपी से है कि लोगों को उम्मीदें हैं, और मैं चाहूँगा कि बीजेपी खास करके ना रोज़गार के लिए काम करे,
ये मंदिर बनाना ये सब तो ठीक है, जो भी है ये चल रहा है, अब धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा है ये चीज़। तो मतलब आपका ये कहना है कि वर्तमान में जो गवर्नमेंट थी उसने रोज़गार से ज़्यादा धर्म के ऊपर काम किया है? जी, रोज़गार क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए किसी भी सरकार का। मंदिर मस्जिद ये तो खैर आपसी चीज़ है, इसमें तो मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, जो प्राथमिक, हाँ जो भी है, लेकिन मैं तो अपेक्षा यही करूँगा एक वोटर के नाते कि जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो गवर्नमेंट मुहैया कराए तो ज़्यादा अच्छा है। वर्तमान में जैसे शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो मंडीदीप की ऐसी कोई सी बड़ी आवश्यकता है जो आपकी पूर्ति नहीं करवा पाए हो, तो आप सांसद के तौर पे उन पर अपेक्षाएं रख रहे हो? मैं अभी इसके बारे में तो नहीं जानता ज़्यादा। रेलवे से संबंधित सुविधा हो या इंडस्ट्रियल एरिया की कोई परेशानी हो या पानी की कोई प्रॉब्लम, बीजेपी गवर्नमेंट से यही बोलूँगा थोड़ी सी महंगाई पर थोड़ा सा अंकुश लगाए, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। तो ओवरऑल आपको संतुष्ट हैं आप बीजेपी से, बस आपकी अपेक्षाएं थोड़ी कम है सरकार से। आप चाहते हैं रोज़गार पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, रोज़गार से संबंधित मैं भैया से भी पूछना चाहूँगा कि आप बताइए आपकी क्या अपेक्षाएं वर्तमान सरकार से? अरे बहुत अच्छी सरकार है भैया, यही आएगी। नहीं, ये तो मध्य प्रदेश में आएगी, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी आपके यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन आप मोदी जी से या आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा है? मंडीदीप के लिए क्या क्या अपेक्षा है? बाकी सब ठीक है यार, और करवा दे थोड़ा डेवलपमेंट, वैसे तो हो ही गया। मेरी तो कोई अपेक्षा नहीं है, बढ़िया दे रहा है यार, इससे अच्छी सरकार नहीं आ पाएगी, अच्छी सरकार है। इंडिया गठ में गठबंधन राहुल गांधी जी का गठबंधन है, उन्होंने न्याय यात्रा भी निकाली थी, शायद वो आपके लिए भी न्याय मांगने निकले हैं। नहीं नहीं, वो नहीं। उनका कहना है कि मैं न्याय लेने निकला हूँ आम जनता के लिए। कितना न्याय वो आपके लिए ढूंढ रहे हैं, किस चीज़ का न्याय ढूंढ रहे हैं? मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता यार। देखो, आपको लगता है वर्तमान सरकार ने आपसे कोई अन्याय करा हो जिसके लिए वो न्याय ढूंढ रहे हो? नहीं, कोई अन्याय नहीं किया। रोजगार से संबंधित राहुल गांधी जी जो वादे कर रहे हैं उससे आप कितने संतुष्ट हैं? ठीक है, आप बताइए, आप राहुल गांधी जी से अगर भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे तो आपकी क्या अपेक्षाएं? मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी के रूप। नहीं नहीं, अभी तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी कम से कम 5 साल और रहें और विकास करें, बाकी का बाद में देखेंगे। जो गठबंधन कांग्रेस ने किया है बाकी दलों के साथ, वो बीजेपी के लिए कितना मुश्किल और कितना आसान होगा, ये कुछ बता सके? नहीं, वो तो 70% और 30% का है लड़ाई, और बीजेपी ही ले जाएगी अभी भी। चलिए धन्यवाद, हम और आगे भी और से भैया से बात करते हैं। आप बताइए आपका नाम? प्रहलाद पाल। प्रहलाद जी बताइए कि राहुल गांधी जी से आपकी क्या अपेक्षा है? राहुल गांधी जी से मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता। राहुल गांधी जी आज बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और माननीय प्रियंका जी भी, उनकी बहन बहुत बड़ी कांग्रेस के अध्यक्ष भूत प्रवक्ता भी रह चुकी तो हैं। कांग्रेस पार्टी से ही कोई अपेक्षा नहीं रखता अब आप, लेकिन किसी का भी नाम ले लो मैं तो। अच्छा, मोदी जी से क्या अपेक्षा है आपकी, आगे वाली से आने वाली सरकार से आपकी? से कम वो जो चीज़ बोलते हैं उसमें से 50% कर देते हैं, करते हैं जो भी। मंडीदीप के लिए क्या किया? मैं तो भोपाल में रहता हूँ एक्चुअली। चलिए भोपाल में क्या किया मोदी जी ने, ऐसी कौन सी चीज़ है जो को? सड़कें हैं, एजुकेशन में भी वो करते हैं, और लाडली बहना जो अपने अभी एमपी में है वो शिवराज जी ने किया है, तो कहीं ना कहीं उनका ही योगदान है ना उसमें, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ उनका ही है, कहीं ना कहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऐसी योजना जिससे आपको फ़ायदा हो रहा हो, आम आदमी को फ़ायदा हो रहा हो? सेंट्रल उसका तो मुझे इतना है नहीं नॉलेज। चलिए प्रधानमंत्री जी के नाते उनने ऐसा कुछ किया हो मोदी जी ने जिससे आम जनता को डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा हो? फ़ायदा तो नहीं हो रहा, बाकी उनने जैसे अभी आप राम मंदिर का कह रहे थे, कई वो उसमें देखा जाए तो 500 साल से जो है जो कई लोग प्रयास कर चुके बट नहीं कर पाए, और वो चीज़ उन्होंने करी, तो ये एक बहुत अच्छा काम बोलेंगे अपन उनके प्रति कि भाई बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आपके कुछ मित्र आज चाह रहे हैं कि शिक्षा और रोज़गार के क्षेत्र में काम हो, तो क्या आपको लगता है पूर्व सरकार ने शिक्षा और उसमें कोई काम नहीं किया है? नहीं, शिक्षा में तो नहीं किया है, और रोज़गार में भी मतलब जो एक होना चाहिए अभी प्रेजेंट में वो चीज़ नहीं है, पहले भी नहीं थी और अभी भी मतलब है थोड़ा बहुत बट उतना नहीं है। जो अभी कई क्या होता है कि एजुकेटेड लोग जो हैं वो बेरोज़गार घूम रहे हैं, कोई उनके लिए रोज़गार नहीं है, दर दर यहाँ वहाँ ठोकरें खा रहे हैं, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी में वो चीज़ होना चाहिए। देखिए, किसी भी सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा और रोज़गार सबसे पहली प्राथमिकताएं होती हैं। अगर सरकार उन्हीं चीज़ों का आपसे दूर है या आपकी वही ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही है, तो हम उस सरकार को फिर अच्छा कैसे मान सकते हैं, किस आधार पर हम उसे अच्छा? तो अपन उसी चीज़ की ही मांग करने की, जो भी गवर्नमेंट है जो भी चीज़ें हैं वो उस चीज़ को फर्स्ट में रखेगी, भाई ये शिक्षा और ये हॉस्पिटल वगैरह और स्कूल वगैरह इन पर ज़्यादा ध्यान दें। एक सरकार और एक पढ़ा लिखा युवा होने के नाते आपकी आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा है? यही है, एजुकेशन और बेरोज़गारी को लेकर।
आने वाले समय में सरकार कुछ और भी धार्मिक मुद्दे इस देश में उठाएंगी, आपकी क्या राय है उस बारे में? धार्मिक वो उठाने के लिए तो फिर वो उनको नीचा दिखाने के लिए, वो उनको नीचे दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, है ना। बाकी मेन यही है कि इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे, जो भी गवर्नमेंट जो भी सरकार है वो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे हम धन्यवाद आपका। और चलिए मैं भाई साहब से आता हूँ। भाई साहब, वर्तमान में आपके इधर से शिवराज सिंह जी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आप शिवराज सिंह जी से कितनी उम्मीदें लगाते हैं? बहुत अच्छी उम्मीदें लगाते हैं, वो जीतेंगे और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, बहुत जल्दी जीतेंगे। शिवराज सिंह जीतेंगे वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से आपकी क्या उम्मीद है? अभी वर्तमान में तो मुख्यमंत्री के हिसाब से उन्होंने जो करा है, लोकसभा के हिसाब से आपकी क्या उम्मीद है? मंडीदीप की क्या आवश्यकता है जो आप एक आने होने वाले सांसद से उम्मीद रखते हैं? हमारी जो आवश्यकता है पूरी करेंगे, हमें विश्वास है उनके ऊपर। किस आवश्यकता मंडीदीप की, ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्राथमिकता में होना चाहिए मंडीदीप में? ऐसी कोई सी चीज़ ही नहीं है मंडीदीप में, पानी की व्यवस्था होना चाहिए मेन। अभी गर्मी में पानी की दिक्कत हो रही सबसे ज़्यादा, जो नल जल योजना जो चालू होना थी वो अभी तक हुई नहीं है। अब उसको हम शिवराज जी से कहेंगे उसको पूरी करें। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में आपके यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी शिवराज सिंह जी अभी कितनी बार वो यहाँ पर आ चुके हैं? यहाँ तो हमेशा ही आते रहते हैं, जब भी बुलावा जाते हैं। अभी उनने क्या घोषणाएँ करी मंडीदीप के लिए, क्या घोषणाएँ करी है? कोई घोषणा नहीं करी है। मोदी जी से ही खुश हैं, उनके कामों से भी खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कौन सा एक काम बताइए मोदी जी का जिससे आप बहुत खुश हैं? वो तो हर काम से उनकी खुशी है, कोई ऐसा काम नहीं, सभी काम ऐसे हैं। कुछ युवा आपके मंडीदीप के चाह रहे हैं कि रोजगार के क्षेत्र में उन्हें कुछ नहीं किया है, अब सब किया है, उन्हें मालूम नहीं होगा, एक बार अच्छे से पूछिएगा आप। चलिए दो कुछ युवा हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह जी यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या अपेक्षाएँ हैं क्या आपकी? एक्चुअली मैं MP से हूँ नहीं, तो बेसिकली मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है इस लोकसभा के बारे में, बट मैंने ये एज चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह को बहुत बेहतर जानता हूँ, उनके कार्यकाल में बहुत बेहतर काम हुई है। लेकिन सांसद के रिगार्डिंग अभी सर, सरकार से मांगे युवा होने के कारण हमारी मेनली मांगे रहती है जॉब। अभी मैं एज ए इंजीनियर काम करता हूँ। यस, शिकायत अपने भूतपूर्व सांसद से भी है कि उनने ना तो कभी मंडीदीप का रुख किया, ना पब्लिक के लिए कोई सुविधाएं जुटाई हैं। आज जनता चाहती है शिवराज सिंह जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, वो हमारे शहर के लिए, हमारी इस लोकसभा सीट के लिए कुछ करेंगे, ऐसी जनता को बहुत अपेक्षा है।